आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिम गुरु जी में। मैं हूं आपका दोस्त संजीव। दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूंगा हिमाचल प्रदेश में जो PGT की वैकेंसी निकली है उसके बारे में, PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है, आपकी जो लास्ट डेट क्या होगी और आपको साइट क्या होगी, आपको इतने इसमें कितनी फीस जमा करनी होगी। दोस्तों, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की। जो है नोटिफिकेशन है 2 नवंबर को निकली हुई है। इसमें आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 18/2019 है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लास्ट डेट की। तो दोस्तों, आपकी जो लास्ट डेट है वो 22 नवंबर 2019 रहेगी, यानी कि आपको जो 22 नवंबर 2019 को रात को 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इनकी साइट की बात करते हैं। इनकी साइट है www.hp.gov.in, यानी कि आप HPSSC भी सर्च करके इनकी साइट पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे देखते हैं इसमें हम क्या इसमें इम्पोर्टेंट रहता है। दोस्तों, इसमें आप क्राइटेरिया देखते हैं हम कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी। तो दोस्तों, जो इसकी क्वालिफिकेशन है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको BA BEd प्लस आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होगी आप उसी सब्जेक्ट पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से आपके पास इंपॉर्टेंट होने चाहिए। इसमें आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है एज प्रूफ के लिए होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन कंसर्न सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स। दोस्तों, आपका जो सब्जेक्ट है वो 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए जिसमें आपने PG की है, साथ में आपका BEd सर्टिफिकेट 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। SC ST OBC सर्टिफिकेट आपका जो होगा वो एप्लीकेबल होना चाहिए। दोस्तों, EWS का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए यदि आपको बनता है तो, और BPL का सर्टिफिकेट और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट। दोस्तों, ये आपको कंपलसरी सर्टिफिकेट है कुछ। और बात करते हैं इसकी दोस्तों वैकेंसी की। तो इसमें जो वैकेंसी है ये इस बार बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी इसमें बता सकते हैं कि इसमें बहुत कम वैकेंसी आती थी, इस टाइम इसमें अच्छी वैकेंसियाँ निकली हुई है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। दोस्तों, जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसी है ये है 47। आपकी जनरल में 19 रहेगी, SC में 10, ST में 1, OBC में 8, EWS में 6 रहेगी दोस्तों, और BPL में SC 1, ST कोई पोस्ट नहीं है और OBC में 1 पोस्ट रहेगी। जनरल जो आपके चाइल्ड फ्रीडम फाइटर हो गए उनके लिए 1 वैकेंसी इसमें जनरल की रहेगी। बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी में भी आपकी जो है 47 वैकेंसी है, बाकी इसमें सेम जो है कैटेगरी में बंटी हुई है। फिर आपकी हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में भी आपकी सेम वैकेंसी 47 रहेगी और आपके 19 जनरल और 10 SC 1 ST और 8 OBC के लिए रहेगी। पॉलिटिकल साइंस में आपकी 40 रहेगी, इसमें आपकी 17 जनरल की है, 9 OBC की है, सॉरी SC की है, 1 ST की, 7 OBC की, और EWS की इसमें 27 वैकेंसी सॉरी 4 वैकेंसी रहेगी। और दोस्तों, आपके लिए जो कॉमर्स में है, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए इस बार बम्पर जो वैकेंसी आई है इसमें आपके 215 टोटल जो वैकेंसी है, इसमें आपको 80 जनरल की है, फिर SC में आपको 42 मिलेगी, ST में 8 मिलेगी, OBC में 34, EWS में 27 और BPL में 9। तो दोस्तों, ये थी आपकी वैकेंसी। और बात करते हैं आपका जो पे स्केल क्या रहेगा। इसमें आपका 10,300 से 34,800 प्लस 4200 आपका ग्रेड पे रहेगा। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपका जो है 14,500 पर मंथ आपका पे रहेगी। और दोस्तों, इसमें आपको मैं आगे आपकी फ़ीस बताता हूँ कि आपकी फ़ीस क्या होगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी EWS जो दोस्तों कैटेगरी है इसमें आपको 400 रुपये जमा करनी होगी, और जो अदर कैटेगरी आपकी SC ST OBC इनके लिए आपको 100 रुपये फीस देनी होगी। जो आपका डिसेबिलिटी है आपकी, जैसे एक सर्विसमैन होगा आपके, इसमें ब्लाइंड होगा, विजुअली इम्पेयर्ड होगा, इसमें आपको कोई
फीस देखने को नहीं मिलेगी, आपको कोई फीस पे नहीं करनी होगी। दोस्तों जो आपकी एज लिमिट की बात करते हैं, इसमें आपकी एज लिमिट 18 से 45 होगी, जो काउंटिंग आपकी 1/1/2019 से की जाएगी। तो दोस्तों ये हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो थी, आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।